हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, सुभारती यूनिवर्सिटी के लिए एक तो आपका कंसर्न था ये कि यूनिवर्सिटी का जो है रिजल्ट कब अनाउंस होगा, जिन्होंने नवंबर में ऑनलाइन मोड पर एग्ज़ाम दिए थे, और सेकंड था ये कि हाँ अब नेक्स्ट एग्ज़ाम कब से होने वाले हैं। तो उन दोनों के ऊपर आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, और उससे पहले कुछ अपडेट भी आपको दे देता हूँ। मार्कशीट के लिए मेरे पास कमेंट आते रहते हैं, जैसे कि अगस्त में जिनके एग्ज़ाम हुए थे, चाहे आपका सेकंड सेमेस्टर हो या आपका फोर्थ सेमेस्टर हो, कि उनकी जो है मार्कशीट कब इश्यू होना स्टार्ट होंगी। तो उसके लिए ये है कि मार्कशीट आना स्टार्ट हो रही है, धीरे धीरे मार्कशीट आ रही है। और उसके बाद ये था कि नवंबर का, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हाँ नवंबर में जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था, तो उनको क्या था कि हाँ उनकी जो ई मार्कशीट आएगी वो आप कैसे चेक कर सकते हैं, आज की वीडियो में आपको ये भी बताने वाला हूँ। और उसके साथ साथ जिन्होंने नए एडमिशन लिए हैं, अगर वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके भी ये वीडियो काम की है, क्योंकि इसमें सारे अपडेट वही है जो न्यू एडमिशन के लिए है या फिर अब नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मान के चलिए आपने नवंबर में जो ऑनलाइन मोड पर एग्ज़ाम हुए थे उसके लिए बात करते हैं। तो उसमें क्या था कि आपका रिज़ल्ट आ चुका था, रिज़ल्ट आप स्टूडेंट लॉगिन में जाते थे और वहाँ पर चेक करते थे। अब वहीं पर आप अगर जाएंगे अपना स्टूडेंट लॉगिन, सेम आपको वैसे ही करना है जैसे आप पहले करते थे, और वहाँ पर लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ पर एग्ज़ाम का ऑप्शन जो आता है, एग्ज़ाम के ही ऑप्शन में ठीक नीचे आपको ई मार्कशीट का एक ऑप्शन आएगा। ई मार्कशीट पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक और आपको URL पे वो डाइवर्ट हो जाती है। वहाँ पर जाने के बाद आपको क्या करना है कि उसमें आपको आपका एनरोलमेंट फिर से डालना है और आपकी डेट ऑफ बर्थ। जब आप अपना एनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ आप डालेंगे तो उसमें क्या होगा कि वहाँ पर आपको शो करना शुरू हो जाएगा मार्कशीट। मार्कशीट प्रॉपर उस तरीके से है जिस तरीके से हार्ड कॉपी आती है, बिल्कुल उसी का प्रॉपर स्कैन वहाँ पर डाला गया है। तो आप वहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके वो आप कहीं पर भी फॉर्म में लगाना चाहते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल वही है जैसी हार्ड कॉपी आती है वैसी ही वो ई मार्कशीट है, एक तरह से हार्ड कॉपी का वो स्कैन है। तो वहाँ से आप वो डाउनलोड करके कहीं पर भी आप उसको अब यूज़ कर सकते हैं। तो ई मार्कशीट अपलोड हो चुकी है, आप अपने स्टूडेंट लॉगिन में जाइए और वहाँ आप ये चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि एग्ज़ाम कब होंगे, जिसका सबसे ज़्यादा मेरे पे कमेंट्स आ रहे थे, हर वीडियो में कमेंट आते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम कब होने वाले हैं। तो एग्ज़ाम के लिए ये है, चाहे आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, कोई भी एग्ज़ाम है आपका सिक्स तक, तो उसका सेमेस्टर मोड का जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम 15 मार्च से स्टार्ट होंगे। आप चाहें तो सुभारती यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट जो है subharti.com पर जाकर उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से वो आपको सारी डेट शीट आपकी मिल जाएगी, सेमेस्टर वाइज वो दी गई है, और अगर आपका बैक पेपर था तो बैक पेपर की भी वहाँ पर दी गई है। और बैक पेपर में इस बार एक और चीज़ थी कि कई हैं जिनकी ना नॉट क्लियर आया है, यानी कि उन्होंने जो अगस्त में एग्ज़ाम दिए थे तो उनका NC आया था नॉट क्लियर, उनका क्या होगा। तो उनके पास दो ऑप्शन है, पहला तो ये है कि आप अपने सेंटर से कांटेक्ट कीजिए, हो सकता है कि वहाँ पर कुछ अपडेशन की वजह से ये नॉट क्लियर दिखा रहा हो, तो आप सेंटर अगर आपका वो मेल करते हैं यूनिवर्सिटी में तो वो अपडेट हो सकता है। इन केस अगर वो फिर भी अपडेट नहीं हो रहा है तो आपका बैक पेपर का चार्ज जाएगा 250 रुपीज़, और वो चार्ज करके आप वो बैक पेपर दे सकते हैं पर पेपर। तो उस तरह से भी आप वो एग्ज़ाम देंगे जो अभी अपकमिंग एग्ज़ाम है उसी में आप ये दे सकते हैं, तो आपका वो क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था सुभारती यूनिवर्सिटी के पर वो अपडेट जो अभी रिसेंटली आया है, और इसमें लेके अभी भी अगर आपको कोई डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा।